मोदी सरनेम का अपमान क्या है? चोर बता डाला है, बताइए, कोई अपमान ही करने जा रहे हैं? मैडम इस हिसाब से तो आप समझिए, फिर इस हिसाब से तो मोदी जी को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था। मोदी जी ने किसको चोर नहीं बताया? पप्पू बोल देना एक अच्छे इंसान को, मोदी जी आपको पता है ये अपमान नहीं है? मानहानि तो इसमें भी दावा कर सकते हैं। ये कहते थे ना मोदी जी का परिवार नहीं है, वो दो झोले उठा करके चल देंगे वगैरह वगैरह। कल तक तो उनकी पढ़ाई पे बात नहीं हो रही थी, अब उनकी डिग्री आ गई अचानक सामने। नहीं मैडम, सिर्फ भाजपा का साथ, भाजपा का विकास और भाजपा वालों का विकास, जो भाजपा में सिर्फ उनका विकास, उन्हीं का विकास नहीं है। मोदी अकेले नहीं है, देखिए आप बात समझिए। कौन है साथ मोदी के साथ? रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, क्या कौन नहीं है उनके साथ? वो मोदी, अरे मोदी को नहीं वोट देना है हमें। मोदी मैजिक है ना भैया, मोदी मैजिक किस बात का? लोगों को समझ नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी लोगों ने। नहीं बचेगा मोदी जी, सबको हर चीज का समस्या का समाधान मोदी जी कैसे हो सकते हैं? हर चीज का समस्या का समाधान मोदी तो नहीं हो सकते। आपने कहा मोदी विकास कर रहे हैं, आप बताइए मोदी ने क्या विकास किया है? कई योजनाएं लेकर आ गए, किसान खुश, गरीब खुश, शौचालय, घर, सब कुछ तो पूरी बताइए। ये संबित पात्रा वाली बातें करेंगे मैडम, फिर कैसे बात बनेगी? समाज में पढ़े लिखे भी लोग हैं, बात भी करना जानते हैं। पता नहीं दादा ने कितनी बात सही की, कितनी मैं नहीं सुन पाया। जब मैं आया मैंने आपकी बात ये सुनी, बेरोजगारी, महंगाई पर काम नहीं हुआ सरकार का, जो गरीब जनता है वो ये बात सही कह रहे हैं। आपको नहीं लगता मैडम? आप भी एक फील्ड में दौड़ रही हैं, हम भी लोग जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके, आदमी इतने लोग बैठे आपके सामने खड़े ना, 90% वो आते पता क्या सोच के हैं कि मेरा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में करियर बनेगा। बनता नहीं है, यहाँ करियर खराब कर रहे हैं लोग अपना। आप देख रहे हो इतनी भीड़, इतना अभी थोड़ी देर में आप देखना पुलिस आएगी डंडा लेके, यहाँ पर 20 लोगों को मारेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ जाम लगा रखे हैं। अभी आप जाओ ना, इनमें से 4-6 लोग यहाँ पिटके जाएंगे। ये है विकास? मैडम पता क्या है, जो प्रैक्टिकल में गुंडा थे ना, जो प्रैक्टिकल जिन्हें आप गुंडा कह रहे हैं, कुछ तो थे। देखिए हर सरकार में कुछ ना कुछ तो जेनुइन ही होते हैं। बता तो कहां करा वो, सब तो हर जगह नहीं बता तो रहे हैं, पर अब क्या है ना, अब ऊपर वाले लेवल वाले लोग कर रहे हैं गुंडा ही। सरकार के पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेसी, आप जैसे लोग जो मर्जी आए सवाल करो, जो मर्जी आए ना करो। आप इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं तो ईडी और सीबीआई को लेकर क्या समझ रहे हैं? क्या दुरुपयोग हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये आपने बिल्कुल जेनुइन बात कही। और आपने पहला सवाल मेरे से पूछा, सही पूछा। ईडी सीबीआई, आप एक बात बताइए, मतलब आजकल आपको नहीं लगा जेनुइन? आप भी चैनल देखते होंगे, आपके छोड़ के दूसरी भी न्यूज़ें पढ़ती होंगी, देख रहे हैं आज हो क्या रहा है। ईडी जैसे ही कोई भी नेता भाजपा में जाता है, उसके सारे करप्शन, सारी चीजें हट जाती हैं। जैसे ही भाई साहब वो नहा लेता है, गंगा एकदम पवित्र हो जाता है और अलग होता ही। सच बताइए मैडम, आपको पता है दिल्ली में एक सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनके भाई साहब दो लोग अभी, एक सिसोदिया जी, एक आपके जैन साहब, गए हैं जेल। आप बताइए मैडम उन पर सही सही क्या आरोप है? मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। मोदी जी सबको हर चीज का समस्या का समाधान मोदी जी कैसे हो सकते हैं? हर चीज का समस्या का समाधान मोदी तो नहीं हो सकते। मोदी है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन है मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? हर चीज का समाधान कैसे है मोदी? ऐसे किसी से भी बात पूछो, पूरी सरकार में भाजपा में कोई यहाँ पे जिला पे लोकल पे भी वोट मांगने आता ना, वो मोदी, अरे मोदी को नहीं वोट देना है हमें। मोदी मैजिक है ना भैया। मोदी मैजिक किस बात का? लोगों को समझ नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी लोगों ने। क्या मतलब कॉमन, एक बात समझिए, कांग्रेस पे आरोप थे भ्रष्टाचार के, ठीक है ना? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, इतना इनकम टैक्स भी नहीं था, इतना जीएसटी भी नहीं था, इतना फ्यूल भी नहीं था महंगा, इतना सिलेंडर भी महंगा नहीं था, फिर भी उन्होंने पैसे बचा लिए, करप्शन कर लिया इकोनॉमी में उन्होंने, वो भी जहाँ पर मनमोहन सिंह जी, आपको पता होगा एक बार 2008 के क्राइसिस आया था, उस समय हमारे देश का पीआई रेट होता है एक, आप मीडिया में हैं पढ़े लिखे लोग समझते होंगे, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे इंडिया का थर्ड रैंक पे छोड़ के गए थे। 2014 के बाद से 5-7-8 साल हो गए मोदी जी को, वो 3 से लगकर 2 नहीं पहुंचा है, वो 3 पे ही है। इतना कलेक्शन करके, इतना टैक्स इकट्ठा करके मोदी जी ने, मोदी हैं तो मुमकिन है वाले कई नारे चलते हैं, वो पैसा है कहाँ? महंगाई भी है, जीएसटी में भी वो कहते हैं इतने करोड़ का, अभी योगी जी का मैं कहीं सुन रहा था 5,000 करोड़ रुपये की आज ही कहीं वसूली की है उन्होंने माफियाओं से, वो पैसे हैं कहाँ मैडम? कहीं दिख तो रहे नहीं हमें। अच्छा विपक्ष जो मांग कर रहा है जेपीसी की, वो सही है क्या? उसकी जांच होनी चाहिए। जेपीसी उसके बारे में, अडानी मामले को? अच्छा अडानी जी, अडानी जी में, अच्छा आप बताइए, एक मुद्दा था हर्षद मेहता, आपने नाम सुना होगा जी,
वैसे नहीं लगता आपको अडानी जी का? अचानक यहाँ आए, सीसी कल 300 में खुला, आज जाकर के 600, फिर आगे 800, आपको नहीं लगता उसमें है? और अगर मुझे नहीं पता, देखिए मैडम उतने बड़े लेवल का मैं नहीं एकदम कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी का अडानी से कोई रिश्ता है, तो आपको भी लगता? मुझे जेनुइन नहीं लगता है। मैं 2014 में गुजरात में गया था मैडम, उस समय मेरे सौभाग्य से मैं सोलर कंपनी में काम करता हूँ, मोदी अडानी पावर करके उनका भी सोलर का पैनल आता है, उनकी कंपनी को मैंने देखने की कोशिश की, गया मैं 2014 से पहले की बात है, तो मैंने वो भी दौर देखा अडानी जी का, और आज का भी दौर देख रहा हूँ। हमारे सेक्टर में भी डोमिनेट करते हैं, सोलर में भी अडानी साहब आए हैं, डोमिनेट करने लगे, तो आपको नहीं लगता अचानक किसी की ग्रोथ इतनी तेजी से? मैं 8-10 साल से एक ही इंडस्ट्री में हूँ, हमने नहीं देखी हमारी ग्रोथ, हमने 4 कंपनियाँ देख ली, उनमें नहीं हो रही ग्रोथ, बहुत बड़े बड़े नाम हमने देखे, अडानी जी आए और छाए, कुछ जादू तो नहीं है ना मैडम? प्रैक्टिकली धरती से क्यों नहीं है? अब बोलने के बाद घर पे लोग आ जाते हैं, बुलडोजर चल जाता है, आदमी डरता है, डरता है आदमी है, तो ये तो क्लियर है। अभी कि आप जाओ पता नहीं है यहीं से कोई आरएसएस भाजपा वाला निकल आया गर्दन पकड़ ले, भाई हमें तो यहाँ किराए पे रहना है, नौकरी पे जाना है सुबह। मोदी राज में आज देश आगे बढ़ा है, डंका बज रहा है मोदी जी का। देश कहाँ बढ़ रहा है मैडम, चल तो नहीं रहा है देश, ये वो आप नहीं लग रहा है वैसा मजाक वाली बात कर रहे हैं कि किसी ने रास्ता पूछा है सड़क कहाँ जाएगी, सड़क कहीं नहीं जाएगी मैडम, हमें जाना पड़ेगा। कर रहा है देश आज, देखिए विदेश सलाह ले रहे हैं मोदी जी से। मैडम आप एक बात है, G20 देश में पहली बार हो रहा है क्या? ऐसे आपको कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना मैडम, कांग्रेस के राज में वो आए, उसमें उन्होंने घोटाला कर लिया। देखिए मैडम क्या है ना, सिर्फ भ्रष्टाचार ही होते थे मोदी जी कह रहे हैं, अब काम हो रहा है मोदी जी की सरकार। देखिए मैडम भ्रष्टाचार कौन साबित करेगा? मीडिया सवाल पूछ रही है मोदी जी की बढ़ाई बता रही है, ईडी और सीबीआई भाई साहब फुर्सत नहीं ले रही दूसरों से, तो मोदी जी पे क्या बात करे? सरकार गिरे और उसके बाद देखिएगा। ये कहते थे ना मोदी जी का परिवार नहीं है, वो 2 झोले उठा करके चल देंगे वगैरह वगैरह, कल तक तो उनकी पढ़ाई पे बात नहीं हो रही थी, अब उनकी डिग्री आ गई अचानक सामने, अचानक नहीं कुछ चीजें हो रही मैडम। ये पत्रकारिता में या किसी भी इंडस्ट्री में हम लोगों को सिर्फ उलझा करके, मोदी जी की सरकार में जो 100 बात की एक बात हुई ना, वो हीन भावना पैदा हुई है। इंसान इंसान से लड़ना सीख गया है, इंसान बेवजह की बात करना सीख गया है, और इंसान अपना कॉमन सेंस भूल के बस सिर्फ और सिर्फ हीन भावना पे बात कर रहा है। वो ऊंचे है, वो नीचे है, वो कास्ट में बात करेगा, वो धर्म में बात करेगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आज देश उसी के साथ बढ़ रहा है। नहीं मैडम, सिर्फ भाजपा का साथ भाजपा का विकास, और भाजपा वालों का विकास, जो भाजपा में सिर्फ उनका विकास, उन्हीं का विकास। अरविंद केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, वो तो ऐसा नारा नहीं दिया कि राहुल गांधी ने काम नहीं किया, मनमोहन सिंह ने, आप भी मानती हैं मनमोहन सिंह बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन कौन सुनता? राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी? देखिए मैडम ऑप्शन है नहीं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जब ऐसा है ना, एक बार आपको याद होगा कांग्रेस में भी ऐसा हुआ था कि 15 साल तक लगातार सरकार रही इंदिरा गांधी की, जब सब नहीं गिरा पाए कोई तो सब मिलके गिराए, सरकार बदली, नरसिम्हा राव आए, जब कोई एक आदमी नहीं गिरा पाएगा सब मिलके गिराएंगे। इतनी ताकत दिख रही है, दिख रही है एकजुटता की वो हरा पाए। मैडम जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी तो भाजपा में भी इतनी ताकत नहीं थी सरकार बनाई, आज बनी ना, भविष्य में क्या होगा आज नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अकेला मोदी सब पे भारी है। अकेला नहीं है मोदी मैडम, आपको ऐसा लगता है, अकेला नहीं है मोदी, अकेले नहीं है। देखिए आप बात समझिए, कौन है साथ मोदी के साथ? रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, क्या कौन नहीं है उनके साथ? किसकी हिम्मत है? मैं कह के घर पहुंच जाऊँ बड़ी बात है, किसकी हिम्मत है जो ये कह दे कि मोदी के साथ नहीं है? पूरी मीडिया क्या मैडम, आप तो क्या लोकल लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, इसे आप टेलीकास्ट कर पाए और आप बाकायदा दिखा पाए सारी चीजें, बड़ी इंडस्ट्री में तो ये संभव नहीं है। पहले स्क्रिप्ट बनते चली गई राहुल गांधी की, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मैं ये मानता हूँ मैडम लोकतंत्र में एक मौका, अगर उन्होंने गलती की है उनका पूरे बात देखी जाए तो लोकतंत्र की एक तरह से कहते ना हत्या है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा होता है मैडम, आपने भी देखा होगा राज्यसभा में लोग चेयर फेंक देते हैं, बदतमीजी गाली गलौज पे भी उतर आते हैं, बहुत बदतमीजियां होती हैं। और राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, मैंने 2 चीजें सुनी, अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। मैडम आप सही बताओ, अच्छा यहाँ पे नहीं नहीं यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्लियर पता है राहुल गांधी की सदस्यता गई किस बात पे? क्या आपको सर मोदी सरनेम का अपमान क्या है, चोर बता डाला है, बताइए कोई अपमान ही करे जा रहे हैं? मैडम इस हिसाब से तो आप समझिए, फिर इस हिसाब से तो मोदी जी को कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था, मोदी जी ने किसको चोर नहीं बताया? पप्पू बोल देना एक अच्छे इंसान को मोदी जी, आपको पता है ये अपमान नहीं है, मानहानि तो इस पे भी दावा कर सकते हैं। आपका एक पर्टिकुलर नाम है,
आपकी एक पर्टिकुलर इमेज है, मैं उस पर अभद्र कोई टिप्पणी कर दूं तो ये तो फिर आपकी भी मानहानि हो गई, आप मुझ पे केस कर सकते हैं इस बात पे। तो लेके तो एक आखिरी सवाल, 24 के मुद्दे क्या होने वाले हैं? गरीब जनता जो सीधा जुड़ी हुई, मेरे हिसाब से मैडम अगर मुद्दे सच में सरकार को लाने चाहिए तो बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए देश में। देखिए कोई भी चीज़ होगी ना, आदमी के पास पैसा होगा ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई हो रही है, सिलेंडर 600 का 6000 का हो जाए, जब मेरे पास 60000 रुपए हैं मैं खरीदूंगा जी। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है मैं कहाँ से खरीदूंगा? तो पहली बेरोजगारी, दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन पे अगर बात करी जाए तो वो बहुत जेन्युइन बात होगी, बाकी सरकारें समझें। चले, देश का युवा है जो बड़े मुद्दे बता रहा है कि बेरोजगारी पर सरकार को काम करना चाहिए, तो वहीं पर शिक्षा को लेकर